हजार पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारा कबाली इलाका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप YouTube चैनल देख रहे हैं एसएन अफरीदी स्पीक्स। इमरान खान साहब की पार्टी तहरीक इंसाफ ने 10 साल KPK में हुकूमत की। KPK वो वाहिद सूबा है जहां एक मरतबा कोई जब इलेक्शन जीत जाता है तो दूसरी दफ़ा यहां के लोगों की रिवायत है कि उनको दोबारा नहीं बनवाते हैं और उनको वोट नहीं देते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ वो वाहिद पार्टी है जिन्होंने मुसलसल 10 साल इस सूबे में हुकूमत की, और उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर उनके आने के बाद अमन अमान की सूरत हाल कायम हुई, खुशहाली वापस आ रही थी, और जो बम धमाके हो रहे थे, दहशतगर्दी की जो एक लहर जो PTI की हुकूमत से पहले चल रही थी, उनका खात्मा हो चुका था। नाजरीन याद रहे कि जरदारी के दौर में तकरीबन 400 से ज़्यादा ड्रोन अटैक हुए, और इस तरह नवाज शरीफ के दौर में भी तकरीबन 200-250 ड्रोन अटैक हुए, और इमरान खान साहब ने हमेशा इसकी मुखालफत की। जब 2022 में साजिश के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो इमरान खान साहब ने और मुराद सईद ने अक्सर ये बात की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर को वापस नहीं आना चाहिए। हमने काफ़ी मेहनत की, अफगान हुकूमत से हमने मुज़ाकरात किए और बहुत मुश्किल से हमने अमन अमान की सूरत हाल कायम किए। यहाँ पर 80,000 लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और तकरीबन 50 से 60,000 पाकिस्तान के फौजी जवानों ने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन उसके बाद जब यह हुकूमत ख़त्म होती है तो दहशतगर्दी की एक लहर आहिस्ता आहिस्ता सर उठाना दोबारा शुरू कर देती है। नाज़रीन, इमरान खान साहब माजी में दहशतगर्दी के हवाले से क्या कहते रहे आपको सुनवाते हैं। उनका एक हिस्टोरिकल स्पीच है, इसको लाइक और शेयर लाजमी करें। चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। 80,000 पाकिस्तानियों की जाने गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया। 2008 और 2018 के दरमियान में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बने कोई ड्रोन अटैक हुआ है? नहीं हुआ। और मैं आज अब सबके सामने कहता हूँ कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। जब ड्रोन अटैक एक घर पे पड़ता है तो लोगों के गोश्त के टुकड़े दीवारों पे होते हैं। इनको कोई शर्म नहीं आई कि हमारे पाकिस्तानी मर रहे थे? पैसे के बुत की पूजा करने वाले